अधिकार है, जो अधिकार है वो हमको दे। इसलिए हम लोगों ने इस बार सर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी को, पांचों एमएलसी को हम लोगों ने सपोर्ट करने का कार्य किया। और यदि मनोज पंडित इस बात को सुन रहे हो, क्योंकि 2022 से उनको बहुत पीड़ा था, तो हम चाहेंगे कि यदि इसको सुने और हम बता देंगे, चिंता न करिए, चिंता न करिए। रमेश मिश्रा जी, विक्रम सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी उन्होंने सपोर्ट किया पार्टी के लिए, और करते तो करते भी क्या जब कोई आया ही नहीं। जी सर बिल्कुल निश्चित तौर पे, देखिए सरकार जो होती है, कर्मचारी किसी का नहीं होता, सरकार का कर्मचारी होता है। और सरकार है, मुझे लगता है कि अगर सरकार हमारे बारे में सोच रही है तो हमको भी सरकार के बारे में सोचना चाहिए निश्चित तौर पे। तो जिस तरीके से विक्रम जी ने कहा कि सपोर्ट हम लोगों ने किया, तो निश्चित तौर पे लगा कि सरकार अब हमारे साथ है, हमको सरकार का साथ देना चाहिए, तो लोगों ने सरकार का साथ दिया। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर हमने उनका सपोर्ट किया है तो उनको हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सरकार को सोचने का जरिया है, उनको सोचना चाहिए। और अभी मिश्रा जी ने जो कहा, मैं एक मिनट समय दूंगा, ज्यादा नहीं, जो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आंकड़े, और कौशिक जी ने भी कहा है कि आंकड़े देखा जाए सर, 2017 में हमारा समायोजन जब निरस्त हुआ 25 जुलाई 2017 को, तो 40,000 से हम लोग 10,000 पे मानदेय पे आ गए थे। और 2017 के बाद आज 2023 में हम आप बैठे डिबेट कर रहे हैं, एक चार आने पैसे सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और तब से आज 7 साल में 6 साल में जोड़ा जाए, कितने परसेंट महंगाई भत्ता बढ़ा, केवल महंगाई भत्ता ही जोड़ करके अगर सरकार हमको दे दी होती तो निश्चित तौर पे कुछ हमारे लोगों के घाव पे मरहम का काम होता। तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जब हम डीए बढ़ाते हैं ना, इनका बढ़ाएं तो डीए के हिसाब से ही मानदेय अगर हम लोगों को बढ़ा दिए होते तो कम से कम हमारे साथ तो कुछ हो जाता, हमारे साथियों का कुछ भला हो जाता। तो ये आंकड़े भी आप देखिए, आंकड़ों के साथ मैं तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आप जो चाहते थे, हम लोगों ने तो खुल करके आपके साथ हैं। आज नहीं, मैंने कह दिया था कि शिक्षा मित्र अन्वेषक सरकार के साथ है, सत्ता में सरकार है, हम सरकार से मांग करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, निश्चित तौर पर हमारी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करें, हम उनके साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं फिर इसी के साथ, समय हो रहा, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अश्विनी मिश्रा जी, विक्रम सिंह और रमेश मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार, सुरेंद्र दुबे जी का, राजाराम त्रिपाठी जी का भी आभार। समय केवल इतना ही, अंतिम बात यह है कि कुल मिला के शिक्षा मित्र अनुदेशक का भला कैसे हो, कैसे इन्हें वेतन मिले, कैसे इनका परिवार चले, इसी सवाल